हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं क्या? बहुत नज़दीक आ ही गए हैं, है ना? तो अभी बच्चों को होने लगा है टेंशन, और इस टेंशन के मारे बच्चे बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे तुम लोग, तो ऐसे ही होगा ना। तो अभी भी वक्त है, आप लोगों को कोई सब्जेक्ट हार जा रहा है तो आप लोग मेरे चैनल में जाइए और देखिए। और जो बच्चे 7, 8, 9, 10 के हैं, जिनको मैथमेटिक्स जो है बेसिक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, एडिशन किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो भाई, कैसे पेपर दोगे तुम लोग? और अगर तुम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई चलो अभी तो क्या ऑनलाइन ही पेपर देना होगा, तो अच्छे है, हम लोगों की तो मज़े है। तो आई एम सॉरी अगर ऐसे नहीं हुआ तो सिक्के का दूसरा पहलू भी आप लोगों ने देखा है। तो इसके लिए हम लोगों को दोनों एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। ओके, एक तो आप लोग सारे लेसन्स जो है उसका रीडिंग शुरू कर दो। और मेरे तो वीडियोस है ही, आप लोग वो वीडियोस देखेंगे तो भी आप लोगों को लेसन जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड किए हैं मैंने, कुछ रह गए हैं, कुछ किए हैं अपलोड, तो वो भी आप लोग देखिएगा। फिर निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, वो सब मैंने आप लोगों के लिए किया है ऑलरेडी अपलोड। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, जिस किसी भी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड में आप लोग है और वो हिसाब से वो सब्जेक्ट में आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट। और प्लेलिस्ट में एक कॉलम मैंने बनाया हुआ है सिर्फ एसे राइटिंग, पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक, इंग्लिश हिंदी मराठी तीनों में, कहानी लेखन, कथा लेखन, फिर निबंध लेखन, जाहिरात लेखन, सब कुछ उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कहिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। ओके, और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, तो मैं आप लोग को ले रही हूँ लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के लेसन्स अभंग वगैरह हिंदी और मराठी के लिए स्पेशली। तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, और मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को इतना ज्ञान बट रहा है भाई, तो फटाफट बटोरिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आए कि बहुत ढूंढने के बाद मेरा चैनल उन्हें मिल रहा है। भाई, इसे कहाँ मैं गुमनाम हो गई हूँ मेरे चैनल में, कि बहुत ढूंढना पड़ता है, तो कुछ ज़रूरत नहीं है उसके लिए। किस तरह से प्लेलिस्ट में मुझे सर्च करोगे आप लोग, या फिर किस तरह से YouTube पर जाने के बाद आप लोग मेरे चैनल को सर्च करोगे, वो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा, तो आप लोगों की सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी, फिर मुझे ढूंढते नहीं रह जाओगे तुम लोग, ठीक है? और ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस, प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो YouTube है ना, इसे आपको करना है क्लिक, तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस, तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में,
सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, गोल में उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है, और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए है, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।